दोस्तों इस पहेली में आपको चार कप दिख रहे हैं, ए बी सी और डी। जब इनको एक केतली के जरिए भरा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कप है जो सबसे पहले भरेगा, ए बी सी या फिर डी। तो ध्यान से देखो और अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। दोस्तों दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पता लग गया होगा ऑप्शन ए वाला कप है वो सबसे पहले भरेगा। दोस्तों अगली पहेली में ये खाने की कुछ प्लेटें रखी हुई हैं जो बीच से ब्लैंक है। आपको ऑप्शन ए बी और सी को ध्यान से देखना है और आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन इस शेप को कंप्लीट करेगा। तो ध्यान से देखो और अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा ऑप्शन सी इस शेप को कंप्लीट करेगा। बढ़ते हैं अगली पहेली पे। दोस्तों आपको इस खाने की पिक्चर को ध्यान से देखना है जो बीच से अधूरी है। अब तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देखो और आपको बताना इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन इस इमेज को कंप्लीट करता है, ए बी या फिर सी। ध्यान से देखो और अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पता लग गया होगा ऑप्शन बी इस शेप को कंप्लीट करता है। दोस्तों अगली पहेली ये पजल है। ये भूल भुलैया के अंदर ये पिज्जा रखा हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं ए बी और सी में से कौन सबसे पहले इस पिज्जा तक पहुंचेगा? ध्यान से देखो और अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट करो। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा ऑप्शन बी वाला आदमी इस पिज्जा तक सबसे पहले पहुंचेगा। बढ़ते हैं अगली पहेली पे। दोस्तों इस लड़की की इमेज को ध्यान से देखो। अब इन चारों शैडोज को ध्यान से देखो और आपको बताना है इन चारों शैडो में से लड़की की सही शैडो कौन सी है, ए बी सी या फिर डी। तो ध्यान से देखो और अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लड़की की सही शैडो ऑप्शन डी वाली शैडो है। अगर अब तक के आपके सारे जवाब सही थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बताना दोस्तों। धन्यवाद।